गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन अवर सीरीज चैप्टर फॉरेन ट्रेड आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड टॉपिक इज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. Inward looking trade strategy. Or import substitution. Class 12th. What do you mean by import substitution या inward looking trade strategy? During 1950 to 90, India adopted the policy which was inward looking trade strategy. As well as import substitution. ठीक है, इन 1950 में इंडिया ने अडोप्ट किया. कौन सी पॉलिसी को अडोप्ट किया? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, या आप इसको क्या कह सकते हैं, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स स्ट्रेटजी ऑफ रिप्लेसिंग import by domestic production. ठीक है, इट्स कॉल्ड import substitution. import substitution means strategy of replacing import. import को replace कर दिया गया है. ठीक है, कि जो आप बाहर से फॉरेन कंट्री से गुड्स मंगवा रहे थे, अब वो अपनी कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में उसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दें, इज नोन एज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. उसको हम क्या कहेंगे, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट पॉइंट इज टू सेव द फॉरेन करेंसी, टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज for the import. ठीक है, मेन टारगेट क्या है, कि अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे बाहर से गुड्स मंगवाने की बजाय, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉरेन एक्सचेंज को सेव कर सकते हैं. ठीक है, उस गुड्स के लिए, और उसका यूज कर सकते हैं मोर इंपोर्टेंट गुड्स विच हेल्प in the growth and development of the country. ठीक है, और उस इम्पोर्ट को, गुड्स की इम्पोर्ट करने की बजाय, उसको उस इम्पोर्टेंट चीजों में आप लगा सकते हैं जिससे कंट्री की ग्रोथ हो, कंट्री का डेवलपमेंट हो. लाइक क्या इम्पोर्ट करें हम, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा, उन चीजों में लगाए हम फॉरेन एक्सचेंज. एंड सेकंड पॉइंट इज टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी गुड्स. एज पॉसिबल, इससे क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा तो हम सेल्फ रिलायंस बन जाएंगे. ठीक है, धीरे धीरे काफी सारे गुड्स का प्रोडक्शन अपनी ही कंट्री में करना स्टार्ट कर देंगे, हमें बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गुड इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे, कि अगर इम्पोर्ट किया जाएगा तो क्या इसके फेवरेबल पॉइंट होंगे. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज
हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो फर्स्ट पॉइंट बता दिया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ट्रेंड टू बी रेज, द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन जीडीपी रोज फॉर 1950 टू 51 इज 11.8% एंड टू 1990 टू 91 24.3%। ठीक है, तो ये बता दिया जीडीपी रेट बढ़ गई है, जो 50-51 में 11.8 थी, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से जीडीपी रेट बढ़कर 1991 में कितनी होगी, 24.3% हो गई। एंड इट इंडिकेट, किस चीज को इंडिकेट करेगा, द मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी टूवर्ड्स डेवलपमेंट। जितनी जीडीपी रेज होगी उतना आप ये कह सकते हो कि जीडीपी की मूवमेंट से किसकी डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमी डेवलप करेगी, ग्रोथ करेगी, डेवलपमेंट होगा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, तो इंडियन इंडस्ट्री वर डाइवर्सिफाई, जो इंडिया की इंडस्ट्री है, इंडियन इंडस्ट्री उसको डाइवर्सिफाई किया गया इन मैनी फील्ड। ड्यूरिंग द पीरियड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन से धीरे धीरे क्या हो गई, इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई होने लगी। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन मेड पॉसिबल, किस किस चीजों में प्रोटेक्शन पॉसिबल हुई, फॉर इंडिजियस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल सेक्टर एक्सेट्रा। तो क्या कहता है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन से कहीं ना कहीं इंडियन की इंडस्ट्रीज जो है वो डाइवर्सिफाई हो गई। अब वो कहता है सिर्फ कन्वेंशनल चीजों पे ना रहके इलेक्ट्रॉनिकल आइटम, ऑटोमोबाइल आइटम, उन इस पॉलिसी में भी अपने आप को इंडस्ट्रीज ने डाइवर्सिफाई कर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, SSI ओपन द न्यू अपॉर्चुनिटी। इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ने कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटी एस्टेब्लिश की ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दोज हु डिड नॉट हैव मच कैपिटल। ठीक है, तो ये कह रहा है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया, नई नई अपॉर्चुनिटी को लेकर आए। इससे क्या हुआ, इट इज यूज द लेटेंट रिसोर्सेस इन द कंट्री। ठीक है, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज होने लगा, यानी बेस्ट मैनर में हम रिसोर्सेस को यूज करने लगे। इससे क्या होगा, इट प्रमोट ग्रोथ विद इक्विटी। ठीक है, जैसे रिसोर्सेज का, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट मैनर में यूज होगा, तो किस चीज को प्रमोट करेगी, ग्रोथ होगी कंट्री में और इक्विटी क्रिएट होगी। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।